दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह का अनएक्सपेक्टेड एरर देखने को मिलता है जो कि रीस्टार्ट करने की वजह से हो जाता है या पावर कट डाउन की वजह से हो जाता है लैपटॉप में और कंप्यूटर में, जब आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हो और लाइट चला जाए तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो के सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको दबाना है शिफ्ट प्लस F10। जैसे आप शिफ्ट प्लस F10 दबाओगे तो आपके सामने CMD का कुछ इस तरह से विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रेस करना है रेग एडिट। जी हाँ दोस्तों, REGEDIT रेग एडिट आपको सिंपली टाइप कर देना है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पर, और उसके बाद आपको एंटर हिट करना है। दोस्तों, आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। अब आपको जाना है HKEY लोकल मशीन पे, आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे है ये HKEY लोकल मशीन, और यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है सिस्टम में, और सिस्टम में जाने के बाद आपको लोकेट करना है सेटअप को और उस पर क्लिक कर देना है। तो हम देख लेते हैं कि ये सेटअप जो है वो कहाँ पे छुपा हुआ है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कई सारे फोल्डर्स बने हुए हैं जैसे कि आप देख ही सकते हो दोस्तों। तो अभी मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और ये सेटअप के नीचे दिख रहा है हम, तो दोस्तों हम नीचे लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है सेटअप सेलेक्ट जस्ट नीचे हमें देखने को मिलता है, तो दोस्तों आपको सेटअप पे क्लिक कर देना है जैसा कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। तो हम कर दे सेटअप पे क्लिक और आपको यहाँ से जाना है स्टेटस पे। जी हाँ दोस्तों, तो स्टेटस वाला आपको लास्ट में दिख रहा होगा, लास्ट से सेकेंड नंबर पर जो फोल्डर है स्टेटस वाला, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी मैं उस पर चला जाता हूँ और यहाँ पर माउस वर्क नहीं करता तो हमें कीबोर्ड की मदद से ही नेविगेट करना पड़ेगा, तो स्टेटस पर हमने क्लिक कर दिया। अभी माउस तो काम कर रहा है, सॉरी माउस काम कर रहा है, तो अभी हम स्टेटस पे क्लिक करेंगे और स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको चाइल्ड कंप्लीशन पे क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये रहा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहीं पे आपको चेंज करना है। तो दोस्तों, जैसे ही हम चाइल्ड कंप्लीशन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का फोल्डर्स वगैरह दो देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो सेटअप डॉट ई एक्स ई। आपको इसको हेक्साडेसिमल पे क्लिक करने के बाद 1 है तो इसको आपको 3 पे क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हो वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू डेटा जो है 3 कर देना है, फिर ओके कर देना है, और ये जो एरर का जो मैसेज है इसको भी ओके कर देना है, और उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन जो है वो वहाँ वापस से शुरू हो गया जहाँ पर ये बंद हुआ था, और बैटरी ड्रेन होने की वजह से मैंने एक बार रिस्टार्ट कर दिया था और जिसकी वजह से विंडो करप्ट हो गया था। तो ये करने के बाद अब ये जो प्रॉब्लम है बूट लूप में फंसने का और या अनएक्सपेक्टेड एरर या रिस्टार्ट जो है, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने लैपटॉप का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो इफेक्टफुल यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो देखते रहिए इंस्टेंट टेक। थैंक यू। जय हिंद।